धार में हमारे सहयोगी इस वक्त शुभांकर मौजूद है और वहां पर किस तरीके के हालात में शुभांकर से ही समझ लेते हैं क्योंकि नमाज अदा करने के लिए लोग अंदर गए थे वो बाहर निकल रहे हैं। शुभांकर अगर मुमकिन हो तो बात कीजिए, क्या कह रहे हैं वहां लोग, इस पूरे मुद्दे को, इस पूरे विवाद को कैसे देखते हैं? देखिए याचिका दायर करने के बाद आज पहली जुमे की नमाज थी और मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूं थोड़ा आगे आए। लोग यहां पर देखिए बड़ी संख्या में बाहर निकल रहे हैं, ये तमाम नमाजी हैं जो इस वक्त यहां से बाहर निकल रहे हैं। कोशिश करेंगे इनसे बातचीत करें और इनसे भी समझें। आप भाई साहब को पता है याचिका दायर की गई है, अंदर विवाद शुरू हो गया है तो इन्हें नहीं पता, ये बेखबर है। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो लोग जो है वो निकल रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि हजारों की संख्या में ऐसे नमाजी हैं जो अंदर है। 3 बजे तक अंदर किसी को जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी गई है। हर उम्र हर वर्ग के बच्चे जो है वो यहां पर मौजूद है। भाई साहब को पता है यहां विवाद जो है कोर्ट तक पहुंच गया है, तो देखिए लोग जो है वो यहां पर थोड़ा बचने की कोशिश कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे, छोटे छोटे बच्चे आपको नजर आ रहे होंगे और ऐसे हजारों की संख्या में अर्पिता इस वक्त अंदर लोग हैं जो नमाज पढ़कर यहां से बाहर निकल रहे हैं। ये पूरा विवाद जो है ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ के पास गया और उसके बाद जून के महीने में आखिरी हफ्ते में कहा जा रहा है कि दोबारा से सुनवाई की जाएगी। एक बार और कोशिश करते हैं अगर लोग बातचीत करते हैं, नहीं तो कुल मिलाकर बात जो है, हाँ ये देखिए तमाम हर उम्र हर वर्ग के लोग हैं। आज चाचा नमाज पढ़कर आप आए हैं, आपको पता है कि विवाद जो है कोर्ट तक पहुंच गया इसका मामला? हाँ पता है। तो क्या सोचना आप लोग का आज उसके बाद पहली बार नमाज पढ़ी गई? कोर्ट में इतनी गलतियां करते हैं यहाँ पे, ये तो फर्जी मामले उठाते हैं कई बार, तो क्या होता है? आपको लगता नहीं इससे माहौल थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा? तो जो कर रही है वो उनको होगा, हमारा थोड़ी ना, हम तो नमाज पढ़ रहे पढ़ते रहेंगे। लोग गए थे नमाज पढ़ने आज? पूरी मस्जिद भरा जाती, गिनती नहीं होती। अच्छा कुछ आज अलग था क्योंकि इससे पहले आज जो याचिका दायर की गई उसके बाद पहली नमाज थी जुमे की? नहीं, जुमा तो हमें जैसा होता वैसे ही हो रहा है। याचिका दायर करने के बाद याचिका एक्सेप्ट की गई उसके बाद पहली बार आज था? कोई कहीं भी नहीं है, वैसे ही है जैसा जुम्मा रोज की तरह था। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ कह रहे हैं रोज का, लेकिन एक बार मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा जरा जूम करें वो। देखिए अब पीछे से जो भीड़ है वो यहाँ से निकल कर आ रही है, बगल में अगर आप देखेंगे तो तमाम अधिकारी जो है वो भी मुस्तैद है। इधर भी अगर आप देखेंगे तो अधिकारियों की टीम जो है वो लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रही है। 3 बजे तक मीडिया को यहाँ पर रोका गया है, किसी और को जाने की इजाजत नहीं है। शुक्रवार के दिन यहाँ पर केवल नमाजी लोग जाते हैं, मंगलवार को यहाँ पर केवल हिंदू लोग जाते हैं, बाकी दिन लोगों को जाने की इजाजत है। लेकिन इन सबके बीच में याचिका दायर होती है और ये देखिए बड़ी संख्या में इस वक्त जो लोग हैं वो आपको यहां से आते हुए नजर आ रहे हैं। हजारों की संख्या में बताया जा रहा है कि ये लोग नमाज अदा करने गए थे। यहां पर सभी की नजर है क्योंकि याचिका जो दायर की गई है उसमें 3-4 बड़ी मांगे हैं और एक मांग ये भी है कि नमाज जो है उस परिसर में अदा ना की जाए जहां पर पूजा पाठ भी होती है। लेकिन ये तमाम लोग इन सबसे बेखबर अंदर नमाज पढ़कर लौटते हुए 1 से 3 बजे का वक्त जो था वो इनके लिए मुकर्रर किया गया था। एक भीड़ यहां पर और आ रही है, कोशिश करेंगे कुल मिलाकर देखिए जो ये याचिका है इसमें ये बात भी कही गई कि वहां मूर्ति स्थापित की जाए और ये भी कहा गया कि इस जगह पर नमाज अदा नहीं करना चाहिए। लेकिन जो नमाजी वहां से निकल रहे हैं वो कह रहे हैं वो ऐसे ही हम नमाज अदा करते रहेंगे और माहौल जो लोग बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम सद्भाव बनाकर रहेंगे। सही, बिल्कुल अर्पिता ठीक है आपने, क्योंकि लोगों को वहां ज्यादातर लोगों को ये पता भी नहीं है कि कुछ ऐसा मामला चल रहा है।